हम बात कर रहे हैं HMA एग्रो की। आज के दिन की बात करें तो 2% के ऊपर के अपसाइड के साथ फिलहाल स्टॉक जो है 48.30 रुपीज़ पर ट्रेड होता नज़र आ रहा है। ऑलमोस्ट 46 के लेवल से स्टॉक ने बाउंस बैक किया और यहां से आज के दिन भी हमको बड़ी बाइंग देखने के लिए मिल रही है। देख सकते हैं हम एक जो ग्रीन कैंडल है, हालांकि मार्केट में सेलिंग प्रेशर है, लेकिन HMA एग्रो में हमको जंप देखने के लिए मिल रहा है। अब थोड़ा सा इस चार्ट पैटर्न को समझो, जंप आया, गिरावट आई, लो ब्रेकडाउन नहीं हुआ। जंप के साथ अगर इस हाई को ब्रेकआउट करता है तो फिर यहाँ से HMA एग्रो का चार्ट पैटर्न जो है बदलता नज़र आ सकता है। इससे पहले स्टॉक जंप पर रिजेक्शन ले रहा था और रिजेक्शन पर अपने लो को ब्रेकडाउन कर रहा था, तो यहाँ से जंप आया, गिरावट आई, लो ब्रेकडाउन नहीं हुआ, जंप के साथ हाई ब्रेकआउट होता है तो वैसी सिचुएशन में यहाँ से अब ट्रेंड दिखा सकता है। तो नीचे की ओर अब इमीडिएट सपोर्ट है 46 का लेवल। अगर इस सपोर्ट को ब्रेकडाउन कर गया तो 44 अगला सपोर्ट और 42 से लेके 40 तक का भी फॉल HMA एग्रो दिखा सकता है, लेकिन फिलहाल तो खेल के पलटने की सिचुएशन नज़र आ रही है। यहाँ से HMA एग्रो का खेल पलटता नज़र आ रहा है। अब स्टॉक बाउंस बैक कर रहा है, पहले सपोर्ट हुआ करता था 48, देख सकते हैं रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट करता नज़र आ रहा है। लेकिन ये जो रेड कैंडल का आप हाई देख पा रहे हो, टॉप इसका 50 का लेवल, अगर इस सपोर्ट को, इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर क्लोजिंग दे जाता है तो फिर वैसी सिचुएशन में HMA एग्रो का यहाँ से खेल पलट सकता है, फिर यहाँ से हमको अप ट्रेंड देखने के लिए मिल सकता है। तो इंतज़ार करना है 50 के ब्रेकआउट का। जब तक 50 का लेवल ब्रेकआउट नहीं करता है, इसमें अपसाइड के जो कन्फर्मेशन है वो नहीं मिलता, तो 50 के ब्रेकआउट का इंतज़ार करेंगे। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहे। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।